वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू वेलकम बैक टू माय। आवर न्यू व्लॉग। और हम नवरात्रों की पूजा कर रहे हैं। आज फोर्थ डे है। फोर्थ? आज सिक्स्थ डे है। ओके, मैंने गलत कर लिया काउंट। तो आज सिक्स्थ डे है। लास्ट व्लॉग में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड नवरात्रि की विधि और पूजा वगैरह कैसे करते हैं। तो गाइस, जब जैसे हमने फर्स्ट डे सीड्स ग्रो करने के लिए डाले थे, तो आप देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं हमारे सीड्स। मेरे ख्याल से पहली बार हुए हैं। पिछले दो नवरात्रों में तो नहीं हुए थे, पिछले साल के में भी नहीं हुए थे इतने बड़े बड़े। तो अब आज हम बात करेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ नवरात्रे की, कि थर्ड में क्या हुआ था, फोर्थ क्यों है, फाइव फिफ्थ क्यों है और सिक्स्थ क्यों है। उससे पहले आज हमें अभी पूजा कर लेते हैं और पूजा के कुछ झलके आज हम आपको दिखाएंगे जो आप देखेगा। पूजा की झलके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम पूजा करते हैं, कैसे कौन सी आरती हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। रिगोलो स्टार्ट हो गई है पूजा के लिए। भगवान का नाम लेना शुरू करो और पूजा स्टार्ट करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, बोल माता लक्ष्मी की जय, माँ वैष्णो देवी की जय, माँ काली माता की जय, बोलो दुर्गे माता की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश महादेवा, एक दंत चार धारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश भगवान की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम को निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मध को मैया, टीको मृग मध को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी अम्बे माता की जय, वचो जयकार शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय, बोल माई सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा। सो गाइस, कल मेरा पापा का, मम्मी का और डुगू भी एडिशनल सब्जेक्ट की तरह है हमारे पास, क्योंकि हम रखेंगे चालू व्रत और हम लास्ट के टू रखने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट के अभी इसने रखे थे कि पापा की तबीयत खराब थी, मम्मा की भी हो गई थी बीच में, मैं परफेक्ट थी। डुगू को आज हल्का हल्का फीवर है और गले में टॉन्सिल्स हैं, बाकी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, टच वुड, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। देखो ये बच्चों के गेम क्यों, मतलब गाइस इसकी राइटिंग देख रहे हो, वो मैंने जानबूझ के लिखी है। बैठ जा। ओके, आई विल चूज, रुक जा, येलो। पिछली बार मैंने ब्लू चूज किया था तो अल्ट्रा प्रो आया था। व्हाट है ये, व्हाट है सब कुछ, क्या होता है इसको, स्क्रिप्टेड है, कुछ भी वो नहीं है। कैसे बनाने दिखाइयो, मैं और भी अच्छा बनाती हूँ। और क्या था ये पता तेरे को, कैसे खेलते हैं इसे पता भी है? हाँ, ऐसे नहीं खेलते इसको, ऐसे ही समझाओ। तो हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि पहला रूप माता शैलपुत्री का होता है, दूसरा माता ब्रह्मचारिणी माता का होता है। तो ये दोनों जो रूप थे, ये शिव जी भगवान की पूजा करके उनको अपना पति बनाना चाहते थे, इसी तपस्या से पूरे होकर
माता तीसरा जो रूप, तीसरा जो नवरात्र, तीसरी जो माता है हमारी माता चंद्रघंटा, उनका जन्म हुआ था और उनको एक तरीके से उनको वो पति रूप में उन्होंने उनको पा लिया था, इसलिए वो चंद्रघंटा के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। तो इसमें क्या इसमें बताना चाहेंगे आपको, इस दिन माँ दुर्गा तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तीसरे नवरात्र वाले दिन। जो भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह जो रूप है वो परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पे यानी कि इनके माथे पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। अर्धचंद्र का मतलब होता है आधा चांद। इसी कारण इनको माता चंद्रघंटा भी बोला जाता है और ये दिशाओं को संतुलित करती हैं, मतलब दिशाएं बताती हैं। माँ दुर्गा का यह शक्ति तृतीय चक्र के पर विराज होकर ब्रह्मांड में माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर, मतलब तीसरे चक्र पर विराज करके ब्रह्मांड की दसों दिशाएं होती हैं, दसों प्राणी होते हैं, उनको संतुलित करती है और महा आकर्षण प्रदान करती है, मतलब बहुत ही आकर्षक उनको बनाती है, अट्रैक्टिव। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं, मतलब इनकी पूजा करने के बाद हमारे सारे जो दोष हैं, जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो ये है माता का तीसरा रूप। अब हम माता के चौथे, तो अब हम बात करते हैं माता के चौथे रूप के बारे में। माता का जो चौथा रूप यानी कि चतुर्थ तिथि यानी कि चौथा दिन, हम माता कुष्मांडा को समर्पित करते हैं। ये चौथा जो व्रत होता है हमारा, चौथा जो नवरात्र होता है वो हम कुष्मांडा माता को समर्पित करते हैं। ये इस दिन देवी दुर्गा के नौ अवतारों में से चौथे रूप की पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने बताया चौथा नवरात्र होता है इसलिए हम चौथे रूप की पूजा करते हैं। यह चौथा रूप माँ कुष्मांडा का होता है। माँ कुष्मांडा का अर्थ, कुष्मांडा जो शब्द है, जो माता का नाम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है, कुष्मांडा का अर्थ होता है कुभांडा यानी पेठा, पेठे का बलिदान देना। इसलिए इस दिन पेठे का बलिदान दिया जाता है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा माता पड़ा है। माँ कुष्मांडा की जो पूजा करने से हमें हर एक तरीके की सुख समृद्धि और हर एक तरीके की शांति प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा देवी पार्वती ने ऊर्जा और प्रकाश को संतुलित करने के लिए सूर्य के केंद्र में निवास किया था। जो मान्यता यह है कि जो कुष्मांडा देवी है वो माता पार्वती के रूप में उन्होंने ऊर्जा और प्रकाश को संतुलित करने के लिए, कि जो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, जो गर्मी निकलती है, उसको संतुलित करने के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए माता ने सूर्य के केंद्र में यानी कि बीच में, हमारे सूरज के बीच में निवास किया था। हिंदू शास्त्रों की अगर हम माने तो देवी कुष्मांडा ब्रह्मांड की निर्माता है, मतलब उन्होंने ब्रह्मांड को हमारे सारे जीवन को, पेड़ पक्षी इंसान जानवर सब को बनाया है, निर्माता है वो हमारे। अगर उन्होंने बनाया तो फिर विष्णु जी ने क्या किया और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी भी बनाते हैं, ब्रह्मा जी भी ही हैं और ये कुष्मांडा माता उनकी हेल्प करती होगी या उनको निर्माता है। अच्छा, और विष्णु जी है जो है वो हमारे इसके पालनहार हैं, हमें जो कष्ट होते हैं, हमें जो कुछ होते हैं वो हमारी हर एक तरीके से रक्षा करते हैं। जो माता कुष्मांडा है वो ऊर्जा का स्रोत है, मतलब उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो हमें उनसे ही हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। माता की अष्टभुजा है इसलिए उनको अष्टभुजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके आठ हाथ हैं। माता के सात हाथ में धनुष, बाण, कमंडल, कमल, अमृतपुंड, कलश,
चक्र और गदा और एक हाथ में जप माला होती है। जप माला होती है ना जिसको हम ऐसे ऐसे करते हैं, जाप करते हैं। जैसे हमारे अपने अपने घरों में आपने देखा होगा कि जो लोग बूढ़े दादी होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे माला को फेरते रहते हैं, उसको जप माला कहते हैं। यह अपने भक्तों को, जो माता कुष्मांडा है, वह अपने भक्तों को धन समृद्धि स्वास्थ्य हर एक चीज़ प्रदान करती है। तो ये तो हो गया हमारा चौथा माता का रूप, जिसको हम लोग कुष्मांडा के रूप से जानते हैं। तो गाइज, अभी आपने देखा हम लोगों ने पहले नवरात्र के बारे में आपको बताया, दूसरे नवरात्र के बारे में आपको बताया, तीसरे नवरात्र के बारे में बताया और चौथे। तो अब आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि चार रूप कौन कौन से हैं। पहले मैं फिर से बताता हूँ, पहला रूप माता शैलपुत्री, दूसरा रूप माता ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप माता तीसरा, हाँ बताओ तीसरा रूप कौन सा है, कौन सा है? गाइस यही आप लोगों के लिए है, आप प्लीज कमेंट में बताना कि तीसरा रूप कौन सा है। चौथा रूप कुष्मांडा, माता का चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा तो आप तीसरा बताना, मेरे को याद है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, माता का तीसरा रूप चंद्र घंटा है। जिनके पास आधा मून भी होता है। तो ये चार रूप हमने, चारों माता का वर्णन हमने किया है नवरात्र के दिनों में, चार माता के स्वरूप का हमने वर्णन किया है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है? और कुछ भी अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और बुरा लगे तो भी बताइएगा कि हम इसको क्या ठीक हम कर सकते हैं क्या नहीं। सो गाइज, इस व्लॉग को हम इधर ही एंड करते हैं, ठीक है? तो ये रूप हमने माता के चारों रूप की कथा। तो अब हम अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि माता का पांचवा रूप, छठा रूप, सातवा रूप और आठवा रूप, ये चार रूप अब हमारे सामने, और नौवा रूप, नौ माता है तो नौ रूप होंगे। तो ये जो पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा रूप बचा है, इनका वीडियो हम लोग आगे आपके लिए बनाते रहेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू। एक बोलना।